सॉलिड वायर टैंक कितना लीटर आता है? 120 लीटर। तो क्या बोलते हैं किस चीज़ के? मोबाइल गेज। एक ट्रांसमिशन गेज है, एक मोबाइल गेज है, ठीक है। दो फिल्टर इधर है, ठीक है, एक फिल्टर उधर है। लेफ्ट में दो फिल्टर डीजल फिल्टर है, राइट में एक डीजल फिल्टर है, ठीक है। अगर गाड़ी एयर ले लिया तो ये बोल्ट को खोलना है, पंप करना है, ठीक है, फिर टाइट। हमेशा गाड़ी में एयर नहीं लेना चाहिए, कम से कम 6 उंगली डीजल होना चाहिए, ठीक है। एयर ले लेगा दो बार तीन बार पंप ख़त्म हो जाएगा, पंप सर्विस करना होगा। पंप सर्विस में काफ़ी अच्छा पैसा लगता है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। ये पूरा तो पता ही है क्या है, ठीक है, ठीक है। पूरा गाड़ी JCB बैकहो लोडर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप कहीं भी मशीन चलाइएगा तो JCB बैकहो लोडर, क्योंकि JCB एक कंपनी है जो अनेक तरह का गाड़ी बनाती है। JCB बनाती है, एक्सीवेटर भी बनाती है, लोडर भी बनाती है, फोर क्लिप भी आती है, हाइड्रा भी आती है। तो सब गाड़ी तो आप ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक गाड़ी तो बैकहो लोडर, ठीक है। पूरे ट्रेनिंग में अब तक कोई दिक्कत नहीं, सिखाने में समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलाए जी, आराम सारा चीज़ चलाए चलाए, बैकहो लोडर ड्राइविंग जी, कहीं भी काम कर लेंगे, कर लेंगे, हाँ कर लेंगे ना, दिक्कत नहीं होगा ना? नहीं दिक्कत नहीं, एकदम कर लेंगे। किस इंस्टीट्यूट से आप? JITI कहाँ पे है? मानगो 16 नंबर रोड। कहाँ से आए आप? हम गढ़वा जिला झारखंड से आए हैं। तो आपको कैसे आइडिया हुआ कि यहाँ पे JCB सीखना है? वो कैंप के द्वारा आए हैं, सरकारी सरकारी। तो इससे पहले आप वहाँ क्या करते थे? हम अपने गांव में खेती गृहस्थी करते थे। खेती गृहस्थी, मतलब वहाँ पे साधन नहीं है, नहीं, काम नहीं, कोई कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं है। तो कैंप में जो आप आए, कैंप में आपको बोला कि फलाना जगह ट्रेनिंग होगा, हाँ जमशेदपुर टाटा जाना है, टाटा जाना है ट्रेनिंग के लिए, JCB ट्रेनिंग के लिए। तो आपने आया? जी नहीं आया। आपने यहाँ कितना दिन है आप? एक महीना हो गया। एक महीना यहाँ रहने में कोई दिक्कत? खाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सब सही है? सब सही है जी। तो जैसे वहाँ पे बहुत कम रोज़गार है क्या? रोज़गार ऐसे है लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं, जानकारी नहीं चीज़ के लिए, इसीलिए हम लोग आए JCB सीखने, और यहाँ से सीख के जा रहे हैं। यहाँ सीख के जा रहे हैं तो गांव में ही चलाएंगे या हो सकता है तो गांव में ही चला सकते हैं, मशीन है दो तीन है। यहाँ तो सारा चीज़ आपको बता दिया गया है, सारा आपको मालूम है, मेंटेनेंस मालूम है। आप कभी भी कहीं भी जाइए, अच्छे से जो सेफ्टी है मशीन के बारे में जो हमने बताया है उसको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। सुबह में सबसे पहला काम है आपको पानी वानी पानी डालना, मोबिल चेक करना, ट्रांसमिशन चेक करना, ड्राइवर मटीरियल आपको देख लेना है। गाड़ी कभी भी आप कहीं रोड में चला रहे हैं तो उस पर ध्यान देना है, आगे पीछे बहुत तेज चलाना अच्छी बात नहीं है, स्लो चलाना, सेफ्टी रहना वो अच्छा है, ठीक है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप लोग कि गाड़ी कभी भी खड़ा कीजिएगा तो इस कंडीशन में गाड़ी खड़ा होगा जी, ठीक है। ये नहीं कि हम सब टांग के कुछ सामान लेना है तो रोडे में अंदाजी रोड में खड़ा कर दिए, तो कभी भी कहीं भी अगर खड़ा करना है तो रोड से साइड में, ठीक है, सामने वाले को भी दिक्कत ना हो, ठीक है, और आपको भी दिक्कत नहीं हो। और सिटी एरिया में कोशिश करना है कि एक रोड लाइन रहता है वो वाइट कलर, रोड में देखा होगा फुल लाइन पे वाइट का एक रहता है, तो वाइट से इधर रहना है, और जमीन जो बाईपास है जमीन पे भी उतरना नहीं है, रोड पे ही रहना, रोड पे ही रहना, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पे कीचड़ वगैरह हो, गाड़ी दब जाए, बहुत आप रोड में देखे होंगे कि गाड़ी दब जाता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है आप लोग।